श्रद्धा को इंसाफ मिले, श्रद्धा को इंसाफ मिले, श्रद्धा को इंसाफ मिले, श्रद्धा को इंसाफ मिले। जा रही है इस वक्त यहाँ पर सभी लोग कैंडल जला रहे हैं, जो मार्च लेकर आए हैं मैं अनुरोध करती हूँ तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो आगे आए और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, जस्टिस फॉर श्रद्धा की मांग करें, गुहार लगाएं और बता दें लोगों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों से मतलब नहीं है, उन्हें इस समाज से भी मतलब है। उन्हें इस समाज में जो अन्याय हो रहा है उससे, उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं, ये बताएं लोगों को। हम लोग सिर्फ समाज का हिस्सा है ना, हम लोग सब समाज का हिस्सा है, उस समाज में रहना है हमें, समाज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। लोगों को अवेयरनेस ये सारी चीजें सबको, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि भाई बॉलीवुड के या किसी भी कहीं के भी कोई लोग, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं आ रही है। नहीं नहीं, देखिए वो लोग प्ले कार्ड लेकर आ जाते हैं, कई सारे बॉलीवुड और करीना कपूर, लोगों को लगता है कि अरे श्रद्धा हमारी कौन लगती है, हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है, इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो क्या अगर उनका जन्म किसी दूसरी माँ की कोख से हुआ, तो क्या? अरे हम सब देश के नागरिक हैं, कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या समझें कि अरे हमारा तो कोई है नहीं, हाँ आगे पीछे कोई है नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम एक समाज, बिल्कुल हम जंगल में नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज में जी रहे हैं, यहाँ गुंडा राज नहीं चलेगा। मैम जैसे कि एविडेंस पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है हर जगह जुटाने की, जैसे कि मोबाइल अगर हम बात करें, भाईंदर के जो वासिक खाड़ी में जो डाल दिया था उसने, तो अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जी, क्या आपको लगता है इतना बड़ा केस सीबीआई को जाना चाहिए? व्हाट इज योर थिंक अबाउट दैट? जी मैं अनुरोध करती हूँ केंद्रीय सरकार से जल्द एक कमिटी बिठाई जाए ताकि ये जो जो कड़ियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं उन कड़ियों को जोड़ दिया जाए मजबूती से, जैसे श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन और उनका कटा हुआ सिर और जिस आरी से उनके शव के टुकड़े किए गए वो आरी अभी तक लापता है और भी कई सारी प्रेमी आफताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए, ये और 35 टुकड़े करने के बाद उनकी कटी हुई मुंडी को फ्रिज में रखकर रोज उसे देखता था वो, मतलब मिस करता था। हम लोग इतना डर रहे हैं सोच के, यू सेड दैट देखता है, हाई टेक टेक्नोलॉजी हमारी, इतनी हाई टेक टेक्नोलॉजी, हम लोग इतने फास्ट उसमें 5G में हम लोग पहुंच गए हैं और इस तरह की चीजें हमें पकड़ने में कितना देरी लगना चाहिए। 6 महीने बाद हमें पता चला, 6 महीने तक वो लापता रही और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। मैम चाहे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करो लेकिन बाद में कोर्ट से छूट जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चावला रेप केस में हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, इन्होंने तो फांसी की सजा दी थी लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी, क्योंकि उनको जजेस को लगा कि जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो सही तरीके से नहीं की और जो आरोपी थे उनको भी बरी कर दिया गया और उन्हें इस केस में री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए अगर जजेस को लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उनको बरी कर दिया गया और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था डीएनए भी पूरी तरह से मिला था और उन्हें से किडनैप किया था और एसिड फेंका था और चावला रेप केस पर, लेकिन उसमें भी बरी हो गया था। देखिए अगर आफ्ताब पूनावाला को सजा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा, हर आए दिन किसी ना किसी बहन या माँ के शव के टुकड़े होते रहेंगे, हर आए दिन किसी ना किसी महिला का यौन शोषण होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से
कि एक मिसाल बनाएं समाज में रहने वालों के लिए, एक मिसाल बनाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को मौत के घाटे उतार दें। अरे आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से। आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें? और खत्म करके आपका जी नहीं भरा, उसके बाद आपने उसके शव के 35 टुकड़े किए? That is to save himself, he did it. To save himself. कोई सबूत ना रहे। Yeah, exactly. ऐसे ऐसे दरिंदे का कोई हक नहीं बनता। ये डर नाम की जो चीज है ना, ये खत्म हो गया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक के कोई कानून कड़ा नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। क्रिमिनल माइंड बहुत लोग हैं और छोटी छोटी बच जाते हैं तो इसलिए उसको इजी ले लेते हैं।